Hello everyone and welcome to our YouTube channel Everything Technical. So finally exams are over and I am back to my YouTube schedule. So ab se aayengi regular videos gaming aur tech dono pe. So stay subscribed to the channel for latest updates. तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गेम्स की 2018 में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और आप इन्हें अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर वन पर है मिडिल अर्थ शैडो ऑफ वॉर, जिसके पब्लिशर हैं वार्नर ब्रोज इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। ये एक एक्शन कम स्ट्रेटेजी गेम है जिसको एंड्रॉयड 4.1 से ऊपर सारे डिवाइसेस पर खेला जा सकता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये गेम उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिन्हें स्ट्रेटजी गेम्स पसंद हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे एक और ही बहुत कमाल का गेम, इस गेम का नाम है बुलेट फोर्स। इसके पब्लिशर है लिपेस वर्ल्ड। इस गेम को आप काउंटर स्ट्राइक की एक कॉपी भी मान सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। इस गेम की कंपैटिबिलिटी है कि ये 4.0 एंड्रॉयड से सारे एंड्रॉयड पर काम करता है। गेम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको बिल्कुल काउंटर स्ट्राइक वाली फील आ जाएगी। अगर आपके पास एक पीसी नहीं है तो आप इसे अपना मोबाइल वर्जन काउंटर स्ट्राइक की तरह खेल सकते हैं। गेम में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, ग्राफिक्स एकदम रियल लगते हैं। काउंटर स्ट्राइक से भी कुछ बातें ऐसी अच्छी दी गई हैं जिन्हें मैं ग्लोबल ऑफेंसिव काउंटर स्ट्राइक में नोटिस नहीं करता हूँ। बल्कि अगर आप एक काउंटर स्ट्राइक लवर हैं तो आपको ये गेम जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर थर्ड पे। तो नंबर थर्ड पे हमारे पास एक बाइक रेसिंग गेम जिसका नाम है SBK16 ऑफिशियल। इसके पब्लिशर हैं डिजिटल टेल्स। ये भी गेम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बाकी बाइक रेसिंग गेम्स की तरह बिल्कुल भी इजी नहीं है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है और प्रैक्टिस से ही आप इसमें एक मास्टर राइडर बन सकते हैं। इसमें स्किल्स की ज़रूरत है और आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इसमें ड्राइव करना पड़ता है क्योंकि हर एक्सीडेंट पे आपका पड़ता है चार्ज। ये बाकी गेम्स की तरह भी बिल्कुल नहीं है जिनमें ग्राफिक्स नहीं होते, क्योंकि इस गेम में आपको एकदम हाई क्वालिटी 3D ग्राफिक्स दिए गए हैं। सारे के सारे बाइक रेसर्स आपको बड़े ही रियल लगते हैं और आपको एक ऑनलाइन सिमुलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है इस गेम में। ये गेम भी एक कमाल की गेम है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर फोर की तरफ। और रेसिंग गेम, एक और बाइक रेसिंग गेम जिसका नाम है डर्ट एक्सट्रीम। इसके पब्लिशर है डी मीडिया INC। ये काफ़ी पॉपुलर गेम है और मुझे बिलीव है कि आप में से काफ़ी लोग इसे खेलते होंगे। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट गेम है, एंड्रॉयड 4.1 के सारे वर्जन पर ये सपोर्ट करती है। ये एक आर्केड स्टाइल रेसिंग गेम है जिसमें आपको मोटोक्रॉस और ट्रायल्स के बीच का एक डिफरेंस पता चलता है। ये एक कॉम्बिनेशन है बैलेंस और स्पीड का, इसमें आपको कोई रेस नहीं लगानी होती है। इसमें एक तरीके से आपको कैसे भी करके एक डेड लाइन, एक जो लास्ट लाइन फिनिश लाइन होती है उसके पास पहुंचना होता है। आपको रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। एक्सेलरेशन इस गेम में बाइक का ऑटोमेटिकली हैंडल्ड होता है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना बूस्ट कब यूज करना है। और इस गेम्स में काफ़ी डिफरेंट टाइप की बाइक्स हैं, आप नई नई बाइक्स खोल सकते हैं और बहुत सारे कलेक्टेबल आइटम्स भी हैं। ये गेम जैसे हार्डर होती जाएगी जैसे ही आप अपने करियर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। तो अगर आप ऑफ रोड रेसिंग या ड्राइविंग गेम के फैन हैं तो ये आपके लिए। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर फाइव की तरफ। मैड ट्रिगर 2 एक बहुत ही पॉपुलर एंड्रॉयड गेम जिसे पब्लिशर है मैड फिंगर गेम्स। ये भी एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। इसकी कंपेटिबिलिटी है 4.0.3 के सारे ऊपर एंड्रॉयड वर्जन पर ये सपोर्ट करती है। ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट गेम है, ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जॉम्बीज गेम्स अक्सर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन डेथ ट्रिगर 2 में एक खास बात है कि नॉट ओनली गन्स, आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। इसका एनवायरनमेंट और जॉम्बीज गेम से ज़्यादा वर्सटाइल है और आपको ग्राफिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख जाता है। आप ज़्यादातर इसमें हैमर यूज़ कर सकते हैं, एक मैकेट को यूज़ करके स्लाइस कर सकते हैं, नाइफ यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जॉम्बीज के सिर फोड़ने के अलावा बहुत कुछ होता है इस गेम में। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ऑसम है और ये एक लोन वुल्फ टाइप वेल सपोर्टेड मल्टीप्लेयर गेम है जिसके आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन या वाईफाई से खेल सकते हैं।
इस गेम को भी जाकर आप चेकआउट जरूर करें, क्योंकि ये गेम बिल्कुल वर्थ प्लेइंग है और मेरी पर्सनल फेवरेट। तो ये थी वो 5 गेम जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। किसी भी डिसेंट एंड्रॉयड डिवाइस पर ये रन कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके डिवाइस में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, लेटेस्ट आपके डिवाइस में 4GB रैम हो, DDR2 की रैम हो, DDR3 की रैम हो, ये एक डिसेंट डिवाइस में एकदम अच्छे से वर्क कर सकती हैं और आपको एक प्रीमियम गेम की फील दे सकती हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और आप बताएं कि आपको इन 5 में से आपकी पर्सनल फेवरेट गेम आपको कौन सी लगी, या फिर आपको कौन सी गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने जवाब लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।